बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स लर्न अबाउट द कंपाउंड ऑपरेटर। हम इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वी नो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल मेक द कंपाउंड ऑपरेटर्स ऑफ दोज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम ऑलरेडी इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने कहा था इंस्टेड ऑफ राइटिंग x इज इक्वल्स टू x प्लस वन, हम सिंपल क्या करते हैं, हम x प्लस प्लस लिख देते हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली हम लिख रहे हैं x इज इक्वल्स टू x प्लस वन। आप ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखो या आप ये स्टेटमेंट लिखो, दे बोथ आर कन्वेइंग द सेम इंफॉर्मेशन और वो दोनों एक्शन भी सेम परफॉर्म करेंगी। इन अ सिमिलर वे इंस्टेड ऑफ एडिंग जस्ट वन इन एनी वेरिएबल, हम मल्टीपल डिफरेंट नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू राइट x इज इक्वल्स टू x प्लस सेवन, तो आप ये वाली स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, वी कैन मेक द कंपाउंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल कह देते हैं x प्लस इज इक्वल्स टू सेवन और उसको आप टर्मिनेट कर दोगे। अब आप x इक्वल्स टू x प्लस सेवन लिखो या x प्लस इज इक्वल्स टू सेवन लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सेम एक्शन परफॉर्म करेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को रिमूव करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं x जिसकी हम वैल्यू लिख देते हैं वन, और इसके बाद हम अपने ये वाले जो कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं इनको परफॉर्म करते हैं। सो अब हमने यहाँ पे x इक्वल टू x प्लस सेवन किया था, इसके बाद हम सी आउट करके देखते हैं कि हमारे x वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी। आफ्टर दैट हम अपने x को दोबारा से वन के अकॉर्डिंग इनिशियलाइज कर देते हैं सो दैट हम दोनों का ईजिली डिफरेंस देख सकें। अब यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू सेवन हो गया, हम दोबारा से सी आउट लगाते हैं और दोबारा x वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। लेट्स एड एंड एल हेयर। चलो अब इस कोड को रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी, हमें पहली जो x इक्वल्स टू x प्लस सेवन था उसने क्या किया, x की वैल्यू ओरिजिनल वन थी, वन के अंदर सेवन ऐड किया और उसको अपडेट कर दिया x के अंदर, तो उसने पहला हमें एट प्रिंट कर दिया। हमने दोबारा किया, x को दोबारा वन कर दिया, फिर हमने x प्लस इज इक्वल्स टू सेवन किया, तो एज अ रिजल्ट जब दोबारा हमने x की वैल्यू प्रिंट की उसने हमें अगेन एट प्रिंट कर दिया। सो दैट्स हाउ वी कैन मेक द कंपाउंड ऑपरेटर्स। आप x इक्वल्स टू x प्लस सेवन लिखो या x प्लस इक्वल्स टू सेवन लिखो, दे आर द सेम थिंग। इसी तरह अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, हम सिंपल कर देंगे x माइनस इक्वल्स टू सेवन, दैट विल बी सेम एज x इक्वल्स टू x माइनस सेवन। हम इनको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। वी कैन डू द सेम ऑपरेशन फॉर आर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फॉर आवर डिवीजन ऑपरेटर एंड एज वेल एज आप अपने मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ भी ये कर सकते हो। सिंपल हमारे पास क्या चेंज आ जाता है, हम x उसके बाद जो ऑपरेटर परफॉर्म करने वो इज इक्वल्स टू आगे जो आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो वो लिख देते हो। वी कैन डू द सेम थिंग विद अदर वेरिएबल। लेट से मेरे पास यहाँ पे x 1 है और मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ y और उसकी वैल्यू मैं रख देती हूँ 7। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 7 हेयर, मैं यहाँ पे y वेरिएबल लिख देती हूँ और हम सेम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, दैट इज़ x प्लस इक्वल्स टू y और ओरिजिनल वाले को भी हम प्लस कर देते हैं। अब इसको रन करके देखो, अगेन आर बोथ आंसर शुड बी 8। सो वी कैन सी आपके पास दोनों आंसर 8 आ गए। सो दैट्स हाउ वी कैन मेक द कंपाउंड ऑपरेटर्स ऑफ आर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट लूप्स। प्रोग्रामिंग में जब हम लूप की बात करते हैं तो लूप का मतलब है कि प्रोग्राम का कोई ऐसा पार्ट जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करो, इसकी एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास आपके म्यूजिक प्लेयर में लेट्स से 5 ऑडियो फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। उन 5 ऑडियो फाइल्स को अगर आप पहली ऑडियो फाइल से चलाते हो और फिफ्थ तक वो एक लाइन में चलती हैं तो हम कहते हैं वो सिक्वेंशियल कोड चल रहा है, कि आपके एक सीक्वेंस में चल रहा है। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑडियो फाइल को रिपीट पे लगा दें कि वो 5 टाइम्स रिपीट हो या जब तक हम चाहते हैं वो रिपीट हो, तो हम कहते हैं कि हमने उसको लूप पे लगा दिया, दैट इज़ सेम ऑडियो फाइल इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। अब जब हम लूप की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स आती हैं। वी हैव व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट व्हाइल लूप। सबसे पहले हम व्हाइल लूप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये आपकी बहुत ज़रा इफ़ कंडीशन के साथ रिजेंबल करती है। सो इफ़ यू नो हाउ इफ़ कंडीशन वर्क्स, सिमिलरली हमारे लिए ईजी हो जाता है हम व्हाइल लूप को अंडरस्टैंड करें।
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वाई लूप हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं. लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो प्रोग्राम क्या करेगा, मेरे स्क्रीन के ऊपर 7 स्टेरिक्स प्रिंट करेगा और हर स्टेरिक डिफरेंट लाइन में होगा. दैट मीन्स 7 स्टेरिक ऑन 7 लाइन्स. इन ऑर्डर टू डू दिस हमें क्या करना है, हम सी आउट स्टेटमेंट यूज करते हैं. लेट से मेरी एक पहली सी आउट स्टेटमेंट थी, उसके अंदर मैंने स्टेरिक का साइन लगाया, मैंने बैक स्लैश एन किया, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया. चलो हम पहले ये प्रोग्राम लूप के बगैर करते हैं और फिर हम लूप के साथ करेंगे. अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसी स्टेटमेंट को 7 टाइम्स अगेन रिपीट करना है. क्यों रिपीट करना है, बिकॉज आई नो आई वॉन्ट टू प्रिंट द स्टेरिक्स फॉर 7 टाइम. तो मैंने अपनी यही स्टेटमेंट 7 टाइम कॉपी कर ली. चलो इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है. अब यहाँ पे मेरे पास 7 स्टेरिक्स ऑन 7 डिफरेंट लाइन आ गए. यहाँ पर हमने स्टेरिक 7 टाइम प्रिंट करना था, इट्स ईजी. लेकिन अगर मैंने सेम काम रिपीट करना है फॉर 1000 टाइम, इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि मैं 1000 टाइम सी आउट स्टेटमेंट लिखूँ. वी नीड एन ऑल्टरनेटिव हेयर. तो यहाँ पर हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे. अब वाइल लूप की जब हम बात कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम वाइल लूप का स्ट्रक्चर देखते हैं. दैट इज़ हम वाइल लूप को लिखते कैसे. जब भी हम वाइल लूप की बात कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. अब लूप की जब आप बात कर रहे हो तो आप इसकी एग्जांपल कंसीडर करो. आप लोगों ने काउंटर देखा होगा. अब उस काउंटर में क्या होता है, एक हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यूजली हम 0 से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हम अपनी एक एंडिंग लिमिट रखते हैं कि हमने 100 तक जाना है. जब तक आप 100 तक नहीं आते, फिर हम ये करते हैं, हमने जो भी अपना काम करना है हम वो काम परफॉर्म करते हैं और उस काउंटर का बटन प्रेस कर देते हैं. वो उसमें 1 इंक्रीज कर देता है, शो करता है कि हमने एक दफ़ा ये काम कर लिया. वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अंटिल हमारे काउंटर पे 100 नहीं आ जाता. दैट इज़ योर लिमिट. सिमिलरली जब आप वाइल लूप यूज़ कर रहे होगे या आप कोई भी और लूप यूज़ कर रहे होते हो, तो हमें लूप में ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं. 1 इज़ योर स्टार्टिंग वैल्यू, कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो. इन ऑर्डर टू गिव द स्टार्टिंग वैल्यू इन C++ प्रोग्रामिंग, हमें पता है हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वह वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का होगा. तो चलो हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एन और इसको वैल्यू दे दी हमने 0. अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड चीज़ आती है, दैट इज़ हमारी लूप आती है. अब लूप कैसे लगाएंगे, आपने लूप के लिए सिंपल अपना कीवर्ड वाइल लिखना है, देन आपके पास ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे. इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं. कंडीशन का मतलब है, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी मैं फर्दर आगे काम करूँगी कब तक करते जाना है. लेट्स से आई वॉन्ट टू रिपीट सम टास्क 100 टाइम्स, तो मैं कहूँगी कि मैं एन इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100, कि ये कंडीशन जब तक ट्रू ना हो, एन 0 से स्टार्ट हो और जब तक उसकी वैल्यू 100 नहीं हो जाती, वो अपना काम परफॉर्म करता रहे. अब वो कौन सा काम परफॉर्म करे, काम परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे उसकी बॉडी बना देते हैं. ये जो मेरी स्टेटमेंट है, वी कॉल दिस टू बी द हेडर ऑफ योर लूप. उसके बाद मैं लूप की बॉडी बना देती हूँ. इस बॉडी के अंदर मैंने जो जो काम परफॉर्म करना होता है, मैं वो काम लिख दूँगी, वो स्टेटमेंट्स लिख दूँगी. और आफ्टर राइटिंग दोज पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बिफोर द एंडिंग ऑफ योर दिस बॉडी, हमारे पास एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा. इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि जो मैंने काम करना है वो हो गया, अब मेरे एन की वैल्यू को 1 टाइम इंक्रीज कर दो. अब क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ हमारे n की वैल्यू 0 थी. कब तक ये काम करते रहो, जब तक ये 100 ना हो जाए. और उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी में कोई टास्क परफॉर्म करने, चलो हम अपनी बॉडी में अपनी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि आप यहाँ पे स्टेरिक प्रिंट कराओ. स्टेरिक प्रिंट कराओ और बैक स्लैश n कर देते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को रिपीट करना है. एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस थिंग फॉर वंस, हम अपने n वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देंगे. चलो एक काम करते हैं, यहाँ 100 की जगह हम 7 लिख लेते हैं, जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी उसी के अकॉर्डिंग. ये जो हमने अपनी कंडीशन में वैल्यू चेंज की है, अब इससे होगा क्या, हमारी डेली लाइफ में भी जब हम अपने काउंटर पे काउंट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट किया और जब तक 100 नहीं आ जाता, इन अदर वर्ड हम उसको मैथ में कह देते हैं कि आपकी वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100, तो वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहे. सिमिलरली हमने यहाँ पे जब 7 कर दिया, तो हमारा जब तक काउंटर वेरिएबल, जो n वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 7 नहीं हो जाती, ये हमारा जो पर्टिकुलर बॉडी के अंदर टास्क है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा.
अब इस प्रोग्राम को रन करके देखो और आउटपुट देखते हैं। हेयर यू कैन सी मेरी स्क्रीन पे 7 टाइम्स डायरेक्ट प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है इसमें मैंने सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट यूज़ किया है और बाकी जो मेरी ये चीज़ थी, दिस इज़ माई काउंटर वेरिएबल, एक मैंने काउंटर वेरिएबल बनाया, एक मेरी लूप की हेडर आ गया और एक आपकी लूप की बॉडी के अंदर, ये वो स्टेटमेंट है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, और दूसरा ये मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया। नाउ लेट्स ऐड अनदर लाइन हेयर जहाँ पे हम सी आउट करते हैं और हम कह देते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कवर्ड। अब ये बाय क्या करेगा? देखो जितना पार्ट हमारा लूप की बॉडी के अंदर होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा, वेयर एज द स्टेटमेंट विच इज आउट ऑफ द बॉडी ऑफ लूप विल नॉट रिपीट इटसेल्फ। एक दफ़ा आउटपुट देखते हैं फिर हम देखेंगे कि हमारी लूप किस तरह काम करती है। नाउ यू कैन सी हमारा स्टैटिक 7 टाइम प्रिंट हो गया और आखिरी लाइन में उसने हमें बाय प्रिंट कर दिया। चलो अब हम इसको देखते हैं कि हमारी ये वाई लूप काम किस तरह करती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वाई लूप हम सबसे पहले एक ये प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम इफ़ कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। अब इस इफ़ कंडीशन को एक दफ़ा हम ड्राई रन करते हैं और फिर हम अपनी वाइल कंडीशन पे आएंगे। यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक एन वेरिएबल है जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू रख दी 0। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, वेरिएबल बन गया, वो इफ़ पे आएगा, इफ़ को चेक करेगा, एन इज़ लेस देन 3, वी नो एन की वैल्यू 0 है, 0 इज़ लेस देन 3, दिस इज़ ट्रू। इसका मतलब है हम इफ़ की बॉडी में आ जाएंगे। जब आप इफ़ की बॉडी में आओगे तो आपके पास सी आउट स्टेटमेंट है, ये सी आउट स्टेटमेंट क्या करेगी, 1 टाइम आपके स्टैटिक को प्रिंट कर देगी। आफ्टर दैट ये एन प्लस प्लस स्टेटमेंट आई, एज अ रिजल्ट ये जो मेरा एन 0 था अब मेरा एन हो जाएगा 1। इसके बाद हमारी इफ़ की बॉडी फिनिश हो गई, हम इफ़ से बाहर आएंगे, उसको सी आउट मिलेगा और वो बाय प्रिंट कर देगा। सो मेरा आउटपुट आ जाएगा साइन ऑफ स्टैटिक एंड देन बाय। अब जब हम वाइल लूप लगाते हैं तो हम सेम प्रोग्राम को, एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम को क्या करते हैं, इफ़ की जगह हमने वाइल का वर्ड लगा दिया। अब इस वाइल का कीवर्ड लगाने से हमारे इस प्रोग्राम पे क्या डिफरेंस आएगा, हम ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखो आपका एक वेरिएबल है एन जिसकी वैल्यू है 0, वो जब वाइल पे आएगा, अब इस वाइल ने इसको बताना है कि आपने जो इसकी बॉडी है जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रही है इसको रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू आ रही है आपकी। जब हम इफ़ में थे तो इफ़ में उसने क्या कहा था कि सिर्फ एक दफ़ा कंडीशन चेक करो, एक दफ़ा ट्रू है तो बॉडी में चले जाओ, अगर ट्रू नहीं है तो आप इफ़ को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। वेयर एज वाइल का वर्ड कह रहे हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हम इसकी बॉडी को रिपीट करेंगे। अब सबसे पहले देखो एन आपका 0 है तो 0 के लिए आप चेक करो या कंडीशन इज़ ट्रू, तो क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा ऑन अ सिंगल लाइन। फिर आपके पास एंड एल्स स्टेटमेंट है और अब आपका कर्सर न्यू लाइन पर चला गया और वो एन प्लस प्लस कर रहे हैं। एन प्लस प्लस का मतलब है एन वॉज 0, अब यहाँ एन 1 हो गया। अब जब मेरा इंक्रीमेंट हो गया तो मेरी बॉडी यहाँ फिनिश हो रही है, लेकिन हमने क्योंकि वर्ड यूज़ किया हुआ है वाइल का, तो वाइल का क्या कहेगा कि अब यहाँ पे वापस आ जाओ। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस सी आउट स्टेटमेंट हम वाइल पे चले जाएंगे, वाइल के हेडर पे चले जाएंगे। अब वो दोबारा क्या करेगा, एन की वैल्यू 1 थी, 1 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, 1 इज़ लेस देन 3, इट इज़ अगेन ट्रू, हम फिर से बॉडी में आ जाएंगे। अब बॉडी में हमारे पास क्या था, अगेन वी विल प्रिंट द साइन ऑफ स्टैटिक, यहाँ पे मेरे पास एक कॉस स्टैटिक का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप फिर एन प्लस प्लस पे आओगे, एन की वैल्यू 1 थी, अब वो कट के 2 हो जाएगी, एंड जब हमारी बॉडी फिर फिनिश होगी सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड द सी आउट हम दोबारा से वापस वाइल के हेडर पे आ जाएंगे। कंडीशन चेक होगी, एन 2 है, 2 इज़ लेस देन 3, अगेन ट्रू, फिर बॉडी में आ जाएंगे। और फिर बॉडी में आते साथ पहली स्टेटमेंट मिली, आप स्टैटिक को प्रिंट कर रहे हो, स्टैटिक के बाद फिर एन इंक्रीमेंट हो रहा है, नाउ द वैल्यू ऑफ एन इज 3, हम दोबारा से हेडर पे आएंगे, आप चेक करो कंडीशन इज 3 इज लेस देन 3, यहाँ पे अब हम ये फॉल्स हो जाएगी, सो नाउ अब हम इस बॉडी में नहीं जाएंगे, अब ये स्किप हो जाएगा
और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस सी आउट पे, और ये सी आउट क्या करेगा, आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा बाय। सो अब अगर आप दोनों आउटपुट में डिफरेंस देखो, तो वहाँ पे उसने सिर्फ वन टाइम आपका सी आउट को एग्जीक्यूट किया था, वेयर एज जब आपके पास लूप आई तो जब तक कंडीशन ट्रू थी वो आपके एग्जीक्यूट करता रहा सी आउट। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास टैरिक 3 दफ़ा प्रिंट हो गया। सो दिस इज हाउ हमारी वाइल लूप काम करती है। अब हम वाइल लूप में कह रहे थे थोड़ा सा रिव्यू कि हमने वाइल लूप में ये जो हमारी स्टेटमेंट आती है इसको हम कहते हैं लूप हेडर। उसके बाद जो ब्रैकेट्स का पार्ट जो सारा उसके अंदर आता है दिस इज नोन एज योर लूप बॉडी। अब लूप के अंदर हमने जो तीन चीज़ें कही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, द फर्स्ट वन इज योर एन इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ योर लूप काउंटर। उसके बाद हमारे पास उसकी कंडीशन आ जाती है कि कब तक हमने ये काम करना है, एंड द लास्ट वन इज़ योर काउंटर इंक्रीमेंट, कि आप काउंटर को वन टाइम इंक्रीज करो ताकि आपकी वैल्यू ऑफ एन चेंज हो। नाउ लेट्स से कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अगर हम ये अपने काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं करते, लेट्स से मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ। अब आप देखो आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली प्रिंट करता जा रहा है, ये एक इनफाइनाइट लूप में चला गया है। इनफाइनाइट लूप में इसलिए गया है क्योंकि आपका काउंटर हमेशा ज़ीरो रह रहा है, आपके काउंटर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इन ऑर्डर टू टर्मिनेट योर लूप हमें अपने काउंटर की वैल्यू को चेंज करना होता है हर स्टेप पे, ताकि आपकी वैल्यू चेंज हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन टेस्ट हो। चलो इस प्रोग्राम को रोकते हैं, वी कैन स्टॉप द प्रोग्राम बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी बटन, आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। अब एक और कंसेप्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि लूप के अंदर जितनी दफ़ा आपकी ये वाली पार्ट रिपीट हो रहा होता है इसको हम कहते हैं आइट्रेशन। अब मेरी ये वाली लूप टोटल 8 आइट्रेशंस परफॉर्म करी हैं। 8 कैसे, अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो 0 से 7 तक हमारे पास ये लूप 8 दफ़ा चलेगी, सो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस विल बी 8। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस कर दूँ, इंस्टेड ऑफ इक्वलिटी मैं इक्वल को फिनिश करके n लेस देन 7 करूँ, तो 0 से 6 तक ये मेरी लूप ट्रू होगी और 7th पे जाके ये मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस विल बी 7। सो दिस इज हाउ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर वाइल लूप वर्क्स। नाउ वी नो कि हमारे जब भी लूप लगेगी तो हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल आएगा, उस काउंटर को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते जाएंगे और उसके बाद हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया होगा कि लूप की बॉडी के अंदर जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो हम किस तरह लिखते हैं। लेट्स से आई एम गोइंग टू प्रिंट द नेम ऑफ माय कंट्री फॉर 100 टाइम्स। तो इसको करने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे करती हूँ सी आउट और मैं यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर देती हूँ, जहाँ पे मैं लिखती हूँ पाकिस्तान, एंड आफ्टर दैट मैं एंडल स्टेटमेंट यूज़ कर लेती हूँ। अब अगर मुझे इसको 100 टाइम्स करना है तो 100 टाइम करने के लिए मैं एक सादा प्रोग्राम बनाती हूँ विदाउट यूजिंग एनी लूप। मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको कंट्रोल सी करके इसको पेस्ट करती जाऊँगी। आप उसको कंट्रोल सी करके आप बार बार पेस्ट करते जाओ, जितनी भी दफ़ा करोगे आपके पास आ जाएगा। अब आप यहाँ देखो, आई एम रिपीटिंग दिस होल स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। अब जहाँ पे जो चीज़ रिपीट हो रही है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, क्या चीज़ रिपीट हो रही है, ये सिंगल स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। इसका मतलब है मैं एक दफ़ा इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लूँगी और बाकी सारी स्टेटमेंट्स को मैं इधर से रिमूव कर सकती हूँ। अब मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर अपनी लूप लगाऊंगी। अब आपके पास एक काउंटर वेरिएबल आ जाएगा जिसको मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लूँगी। उसके बाद मुझे पता है मेरी वाइल का हेडर आ जाएगा और हेडर के अंदर उन्होंने आपको बता दिया कि यहाँ कंडीशन लिखो और यहाँ आप कोड लिखो जो आपने रिपीट करना है। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपने वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हैं तो कंडीशन के बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगाते। द रीज़न हेयर कि अगर आप यहाँ सेमी कॉलन लगा दोगे तो वो आपके वाइल लूप के हेडर को उसकी बॉडी के साथ सेपरेट कर देगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अगर आपकी वाइल लूप की कंडीशन सही है या नहीं है, इन दोनों केसेस में आपका ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये एक सेपरेट कोड कंसीडर किया जाएगा और वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। द कंसेप्ट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो हमने इफ कंडीशन में पढ़ा था। मेरी ये वाली स्टेटमेंट रिपीट होनी थी, मैं यहाँ से उठा के लूप की बॉडी के अंदर लग देती हूँ, वो इसको रिपीट करेगा। अब मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन है कि 0 से स्टार्ट हो और वो
100 तक जाए तो मैं कह दूंगी n इज लेस देन 100. आई एम नॉट गिविंग द साइन ऑफ इक्वालिटी बिकॉज अगर इक्वालिटी का साइन लगा दूंगी तो वो 101 टाइम प्रिंट करेगा. कंडीशन लग गई. नाउ द लास्ट थिंग, मेरा काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट होना चाहिए कि एक दफ़ा काम कर लिया तो उसको आप इंक्रीमेंट करो. चलो अब इस प्रोग्राम को आप रन करके देखो. हेयर वी कैन सी वो मुझे 100 टाइम यहाँ पे पाकिस्तान प्रिंट कर देगा. सो दैट्स हाउ आप अपनी रिपीटिंग स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो और सिंपल क्या करते हो, अपनी लूप की बॉडी के अंदर उसको लिख देते हो. टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. यू आर गिवन विद 9 क्वेश्चंस. इनको पढ़ो, इसको समझो एंड ट्राई टू सॉल्व देम, देन कम बैक फॉर माय सॉल्यूशन. इन दिस क्वेश्चन हमें एक टास्क गिवन है कि हमें एक यूज़र से उसका नाम पूछना है और उसके नाम को हमने 100 टाइम्स प्रिंट करना है. अब यहाँ पे हम हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कोड में हमें कौन सा पार्ट रिपीट करना है सो दैट हम उस पार्ट को अपने लूप के अंदर लगाएंगे. चलो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हमें यूज़र से उसका नाम पूछना है तो कितनी दफ़ा पूछना है. अब यहाँ पे कह रहे हैं यूज़र का नाम आपने एक दफ़ा पूछना है और उसी नाम को 100 टाइम्स प्रिंट करना है. तो अगर मैं सिंपल कोड लिखूं तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाऊंगी स्ट्रिंग डेटा टाइप का सो दैट आई कैन रीड द नेम ऑफ द यूज़र और उसके बाद मैं उसका नाम रीड कर लूँगी. सो हमने यहाँ पे यूज़र से उसका नाम रीड कर लिया. आफ्टर रीडिंग इट्स नेम अब हमें क्या करना है, हमें इसका नाम 100 टाइम प्रिंट करना है. अब मुझे अगर उसके नाम को 100 टाइम प्रिंट करना है तो मुझे सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी. लेट्स से आई एम नॉट यूजिंग द लूप हियर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी सी आउट स्टेटमेंट को 100 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा. लेट्स से मेरी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट आ गई योर नेम इज़ और उसके बाद मैंने नेम वेरिएबल यूज़ कर लिया. इफ़ आई वॉन्ट टू रिपीट दिस 100 टाइम आप उसको 100 टाइम कॉपी पेस्ट कर लोगे. चलो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग द सेम स्टेटमेंट अब हमने यही काम लूप से करना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अपनी यहाँ पे लूप लगानी है तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हमें अपना एक काउंटर वेरिएबल बनाना पड़ता है और उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ती है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना एक वेरिएबल बना देते हैं int n के नाम से और हम उसकी वैल्यू देते हैं 0 कि अभी ये काम एक भी दफ़ा नहीं हुआ. उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी वाइल लूप लगानी है तो हम अपनी वाइल लूप लगाने के लिए वाइल का कीवर्ड यूज़ किया. अब इस पार्ट में हम अपनी कंडीशन डाल देंगे. अब हमें काम कितनी दफ़ा करना है, 100 टाइम करना है. तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका n जब तक 100 नहीं हो जाता तो ये बॉडी के अंदर जो भी काम है उसको रिपीट करते जाना. कौन सा काम रिपीट करना है, ये वाली स्टेटमेंट करनी है. हम इसको यहाँ से उठा के उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम काम कर लिया तो आप क्या करो, अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो. तो हमने सिंपल किया n प्लस प्लस. लेट्स रन दी कोड. उसने हमसे हमारा नाम पूछा, लेट्स से हमने नाम दे दिया मोहम्मद सुबहान. एंटर करोगे वो 100 टाइम्स इसको प्रिंट कर देगा. इट्स बेटर कि यहाँ पे हम एंडलेस स्टेटमेंट यूज़ कर लें ताकि हमारा हर नेम डिफरेंट लाइन पे आ जाए. अब अगर आप अपने प्रोग्राम को देखो, हमसे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है. हमने 0 से स्टार्ट किया था और हमने 100 इक्वालिटी दे दी. उसने क्या किया, 0 टू 100 हमारा 101 होता है. सो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, हमें इक्वालिटी नहीं लगानी चाहिए थी ताकि वो 99 पे स्टॉप हो जाता. नो लेट्स मॉडिफाई आर प्रोग्राम. पहले हमने कहा था एक यूज़र का नाम पूछो और उसको 100 टाइम प्रिंट करो. अब हम क्या करते हैं, हम 500 यूज़र से उनका नाम पूछते हैं और हर एक का नाम प्रिंट करते हैं. तो पहला डिफरेंस हो हमें पता है हमारा क्या आएगा, ये जो हमारा काउंटर वेरिएबल है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 100 के बजाय ये 500 तक हो जाएगा. अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखो, नाम तो वो प्रिंट करेगा लेकिन वो पूछ कितने लोगों का नाम रहे, वो तो सिर्फ एक बंदे का नाम पूछ रहा है. तो हमें ये वाला पार्ट भी रिपीट करना चाहिए. सो हम क्या करेंगे, हम अपना ये वाला पार्ट यहाँ से उठाएंगे और इसको हम अंदर लूप की बॉडी में ले जाएंगे. अब यहाँ पे लूप की बॉडी में आने से क्या होगा, वो 100 पर्सन का नाम पूछता जाएगा और उसको प्रिंट करता जाएगा. लेट्स रन दी कोड. उसने नाम पूछा, हमने कह दिया अली. उसने कहा योर नेम इज़ अली. उसने फिर दोबारा नाम पूछा, हम कह देते हैं सबा. उसने वो प्रिंट कर दिया. अगेन नाम पूछा, अब हम कह देते हैं अफनान. इस तरह वो हमारा 500 तक रिपीट करता जाएगा. नो लेट्स टर्मिनेट द प्रोग्राम. वी विल प्रेस कंट्रोल सी. हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. अब हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे अब आप एक कंसेप्ट समझो, दैट इज़ अ स्कोप ऑफ योर वेरिएबल. अब यहाँ हमने वेरिएबल को
बाहर रहने दिया अपने बॉडी से, अब क्या होगा, वेरिएबल एक दफ़ा बनेगा और वाइल की बॉडी के अंदर बार बार उसकी वैल्यू रिपीट होगी। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको डिक्लेयर करने के बजाय हम लूप के अंदर ही जाके इसको डिक्लेयर कर दें। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जैसे ही लूप स्टार्ट होगी वेरिएबल बनेगा, उसकी वो वैल्यू रीड करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, वो दोबारा वाइल की बॉडी में आएगा, दोबारा से एक वेरिएबल क्रिएट करेगा और जो पिछला वाला था वो डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम प्रोसेस विल रिपीट फॉर 500 टाइम्स। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। हियर वी आर गोइंग टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100 और हमने 100 से 1 बैकवर्ड ऑर्डर में भी नंबर्स को प्रिंट करने हैं। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ अ सिंपल सी आउट स्टेटमेंट जिसमें 1, 2, 3, 4 हम सी आउट करते जाएँ। वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ वाइल। सो लेट्स से हम क्या करते हैं, हम अपनी वाइल लूप के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं n, उसकी वैल्यू रखते हैं 0 और हम अपनी कंडीशन लगा देते हैं कि इसने 100 टाइम चलना है। हमारी कंडीशन होगी लेस देन 100 के 100 टाइम्स चल जाए और लास्ट में हम क्या करते होते हैं, अपने इसको इंक्रीमेंट करते होते हैं। अब हमें यहाँ पे ये पार्ट आइडेंटिफाई करने, कौन सी चीज़ आपकी रिपीट हो रही है। अगर आप देखो, हम किसी चीज़ को यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू 1, 2, 3 हो रही है, दैट इज़ n 0 है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो वो आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद दोबारा कंडीशन ट्रू होगी, फिर वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर हम सिंपल यहाँ पे करें सी आउट, हम सिंपल n को प्रिंट कर देते हैं। तो n को प्रिंट करने से क्या होगा, कोड को रन करके देखते हैं, उसने क्या किया, आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 99 प्रिंट कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल अपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दी, उसने सारा हमें 0 से 99 दिया। लेकिन हमें क्या करना था, हमें 1 to 100 जाना था। सो इंस्टेड ऑफ 0 हेयर हम कह सकते हैं 1 और यहाँ पे आप इक्वालिटी लगा दो, हम थोड़ी स्पेस भी दे लेते हैं बीच में। रन करने के बाद अब हम डिफरेंस देखते हैं। हेयर यू कैन सी उसने 1 से स्टार्ट करके 100 तक आ गया। अब इसी प्रोग्राम को हम फर्दर लेके जाते हैं 100 से 1 तक प्रिंट करने। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से वाइल लूप यूज़ करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेते हैं m, उसकी वैल्यू दे देते हैं हम 100। उसके बाद आप वाइल लूप लगाओ अपनी, और वाइल लूप को हमने कब तक चलाना है, जब m इज़ ग्रेटर देन 0। वाई वी आर यूजिंग द साइन ऑफ ग्रेटर देन, बिकॉज हम रिवर्स साइड पे आ रहे हैं, हमने 100 से स्टार्ट किया है, तो इसको जब आप नीचे लेकर आओगे तो हमारी कंडीशन होगी नीचे की साइड पे, कि उसको किसी भी एक पर्टिकुलर स्मॉल वैल्यू से बड़ा होना चाहिए ताकि हम वहाँ पे रोक सकें। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आप सी आउट कर दो m को। अब हमारे पास काउंटर वेरिएबल कैसे चेंज होगा, पहले तो हम इंक्रीमेंट करते थे तो वैल्यू इंक्रीज होती थी, नाउ इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंट हम यूज़ कर लेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वो क्या करेगा, आपकी वैल्यू पहले 100 थी, फिर 99 हो जाएगी, देन 98, दैट इज़ 1 by 1 डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं कि जहाँ हमारी फर्स्ट लूप फिनिश हुई है तो उसके बाद हम एंडल स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, सो दैट पहला अगर वैल्यूज़ को वो प्रिंट कर ले और उसके बाद वो सेकेंड लाइन पे डिफरेंट लाइन पे आए। अब इसको रन करते हैं, यू कैन सी उसने क्या किया, 1 से 100 तक किया और नेक्स्ट टाइम उसने 100 से 1 तक इन रिवर्स ऑर्डर दोनों तरह से प्रिंट कर दिया। अब हम अपने इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं ताकि हम प्रिंट कर सकें ऑल इवन नंबर फ्रॉम 300 to 400। एक हमें लिमिट मिल गई। अब हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाली लूप रखते हैं और सेकंड लूप को फिनिश कर देते हैं, बिकॉज हमें एक ही टास्क परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने आपको स्टार्टिंग नंबर दिया 300 और एंडिंग नंबर दिया है 400, सो आर जो काउंटर होगा विल स्टार्ट फ्रॉम 300 इंस्टेड ऑफ 0 और हम उसको लेके जाएंगे 400 तक। अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रिंट द इवन नंबर देयर टू डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट, या तो हम इफ़ की कंडीशन यूज़ कर लेंगे या हम अपने काउंटर वेरिएबल की हेल्प से कर लेंगे। चलो हम दोनों मेथड यूज़ करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हम अपने काउंटर वेरिएबल की हेल्प से करते हैं। आप देखो 300 को हम क्या कहते हैं, 300 इज़ इवन, तो क्या हो, आप जब उसकी कंडीशन को चेक करो उसके बाद आओ तो 300 को आप प्रिंट कर दो। उसके बाद हमें पता है 300 के बाद आएगा 301, दैट इज़ नॉट इवन, लेकिन अगर हम 300 के अंदर 2 ऐड करें तो जो नया नंबर आएगा दैट विल बी 302, दैट इज़ एन इवन नंबर। तो हम अपने इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जगह हम कंपाउंड ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं n प्लस इज इक्वल्स टू 2 के n के अंदर 2 ऐड करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी वाइल को टेस्ट करो। चलो इसको रन करके देखो और उसके बाद हम अपना आउटपुट देखते हैं।
हेयर यू कैन सी उसने क्या किया, उसने 300, 302, 304, 306, 308 हर नंबर को प्रिंट कर दिया. वी नो ऑल दीज आर इवन नंबर. अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट इंक्रीमेंटिंग योर वेरिएबल बाय वन, हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं. हम 3 का भी जंप दे सकते हैं, हम 5 का भी दे सकते हैं. वी कैन गिव द जंप ऑफ एनी नंबर. अब हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं जिसमें हम कंडीशन को लगाएंगे. अब कंडीशन को लगाने का क्या मेथड होता है, इसके लिए हम एक न्यू लूप बना लेते हैं ताकि हमें दोनों का डिफरेंस आए. हम कहते हैं एक वेरिएबल है m, उसकी वैल्यू है 300 जहाँ से वो स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम कहते हैं अपनी while लूप यूज़ करते हैं. हमारा कब तक ये रिपीट होना है, जब तक आपका m वेरिएबल 400 नहीं हो जाता. इसके बाद हम अपना काउंटर वेरिएबल को सिर्फ इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज़ बाय वैल्यू ऑफ 1. अब हम अपनी इफ़ कंडीशन लगाते हैं. हम कहते हैं इफ़ हमें पता है कि हमने कभी भी किसी नंबर को मॉडुलस लो 2 के साथ और रिमाइंडर 0 है, दैट मीन इट्स एन इवन नंबर. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इफ़ में जाएंगे m, इसको कहेंगे मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल्स टू 0. 0 है तो c आउट कर दो, m दैट इज़ योर पर्टिकुलर नंबर एंड दैट्स ऑल. हमने क्या किया, नंबर आया आते साथ उसको कंडीशन में चेक किया. अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर स्किप हो जाएगा और यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा. लेट्स रन दी कोड. अब हम दोनों के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखते हैं. अब हम अपनी पहली लूप के बाद अगेन हम यहाँ पे लेट्स एड एंड एल्स स्टेटमेंट हेयर. लेट्स रन इट. हेयर यू कैन सी उसने हमें 2 दफ़ा नंबर प्रिंट किए हैं. पहली दफ़ा 300 से स्टार्ट करने के बाद 400 तक गया जहाँ पे हमने ये कंपाउंड वेरिएबल यूज़ किया था. सेकेंड टाइम अगेन उसने 300 से 400 तक ऑल इवन नंबर प्रिंट कर दिए और यहाँ हमने इफ़ कंडीशन यूज़ की थी. सो इन द सेम वे हम अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर आपको टास्क इवन है, आपने वो सारे नंबर प्रिंट करने विच आर द मल्टीपल ऑफ 5, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम अगर इफ़ कंडीशन लगाना चाहें तो हम नंबर का मॉडुलस लेते जाएंगे 5 के साथ. और अगर आप इफ़ नहीं लगाना चाहते, आप सिंपल काउंटर वेरिएबल के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, अपना काउंटर वेरिएबल 5 से स्टार्ट करेंगे एज अ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, और उसके बाद हम 5 का जंप देते जाओगे और आपके पास 10, 15 एंड सो ऑन प्रिंट होते जाएंगे. यहाँ पे हमने जो सारे प्रोग्राम किए हैं देर एंटायरली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ योर काउंटर वेरिएबल. सो हम कहते हैं ये वाली लूप आर नोन एज काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स. नाउ लेट्स डू अनदर टास्क जहाँ पर हमें सम फाइंड आउट करना है फ्रॉम नंबर 1 to 100. 1 से लेके 100 तक जितने नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करेंगे और उसका टोटल हम शो कर देंगे. दैट इज़ 1 + 2 + 3 + 4. हम कहते हैं अपना एक वेरिएबल बनाते हैं n और उसकी वैल्यू रख देते हैं 1 बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 1. और हमें 100 तक का सम कैलकुलेट करना है तो हम अपनी वाई लूप लगाएंगे और हम कह देंगे जब तक n की वैल्यू 100 नहीं होती जाती तो जो हम टास्क दे रहे हैं उसको आप परफॉर्म करते जाओ. सो दैट्स वाई हमने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया. अब हम उसकी बॉडी में काम करते हैं. अब हमें यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ करना है कि हमें सम कैलकुलेट करना है. अगर आप डेली लाइफ में भी देखो तो हम सम किस तरह करते हैं, हम पहले कहते हैं 1, 1 के अंदर 2 ऐड करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 3, फिर 3 के अंदर हम अगला नंबर ऐड करते हैं, दैट इज़ अगेन 3, आंसर आ जाता है 6, 6 के बाद अगला नंबर ऐड करते हैं 4, हमारा आंसर आ जाता है 10. सो क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप अपना सम लेते जाते हैं और उसके अंदर अगला नंबर ऐड करते जाते हैं. तो जो हमारा आंसर आ रहा होता है हम उस आंसर को कहीं पे स्टोर कर रहे होते हैं. सो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं सम और उसकी इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ कि अभी तक ये बिल्कुल एम्प्टी है. अगर मैं वाई लूप से पहले अगर ये काम करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपना कहती हूँ सम के अंदर क्या ऐड करो, 1 ऐड करो और इसको कहाँ स्टोर कर दो, सम वेरिएबल के अंदर ही कर दो. क्यों सम के अंदर करो, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल को बार बार अपडेट करें जो प्रीवियस वैल्यू थी. जिस तरह जब हमने 1 + 2 किया था तो 3 आया था, तो हमने 3 के अंदर जब 3 ऐड किया था तो उसी को अपडेट किया, तो हम कहेंगे उसी के अंदर स्टोर कर दो. अब यहाँ पे ये जो सम का आंसर आएगा इसको कहेंगे अगेन आप क्या करो, जो अपडेटेड सम है उसके अंदर 2 ऐड करो और उसको कहाँ पे जाके दोबारा से स्टोर कर दो, उसको फिर से आप सम के अंदर रख दो. फिर जो ये वाला आंसर आएगा इस आंसर के अंदर फिर से आप ऐड करो सम +3 और इसको कहाँ जाके स्टोर कर दो, अगेन सम में कर दो. दैट इज़ अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो तो हमारा ये जो सम इक्वल्स टू सम प्लस का पार्ट है ये सेम रह रहा है,
बस जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 1, 2, 3, ये वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। तो हम अगर इसको वाइल लूप में कॉपी करना चाहें तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, सम इक्वल्स टू सम प्लस एज इट इज़ आ जाएगी। इसको हम इंडेंट कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि ये वाली स्टेटमेंट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन योर वाइल लूप। इसके बाद प्लस का साइन है। अब यहाँ पे ये जो 1, 2, 3 है, ये वैल्यू हम कहाँ से लेकर आए? वी नो कि हमारा जो n वेरिएबल है इसकी वैल्यू हर दफ़ा इंक्रीज़ हो रही है, जो स्टार्ट हो रही है 1 से और जाएगी 100 तक। तो हम यहाँ पे करते हैं n लिख देते हैं और उसको टर्मिनेट कर देते हैं। एट लास्ट हमने इसको रिमूव कर दिया ऊपर वाले पार्ट को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने काउंटर वेरिएबल n को इंक्रीज़ कर देंगे। साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारा जो ये सम की वैल्यू है इसको हम सी आउट करते जाते हैं। हम कहेंगे सम इज़ इक्वल्स टू, हमारी क्या वैल्यू आ रही है, सम आ रही है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। चलो कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ उसने क्या किया, सम इक्वल्स टू 1 हो गया। पहला नंबर जब 0 था, खाली था, उसके अंदर उसने 1 ऐड किया, 1 हो गया। फिर 1 के अंदर 2 ऐड किया तो उसका आंसर 3 हो गया। 3 के अंदर फिर 3 ऐड किया, 6 हो गया। 6 के अंदर 4 ऐड किया, 10 हो गया। फिर 5 ऐड किया, 15 हो गया। सो दैट्स हाउ उसने हमें सम शो कर दिया, और एट लास्ट हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 5050। अब इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा इस तरह भी कर सकते हैं कि वो हर वैल्यू को सम करने के बाद आंसर शो करने के बजाय सिर्फ एक दफ़ा आंसर शो करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सी आउट को लूप से बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे उसको प्रिंट। अब उसको रन करके देखो, उसने क्या किया, एक ही दफ़ा आपको फाइनल आंसर दे दिया, दैट इज़ 5050। हम इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 की जगह 100 दे देते हैं और कहते हैं आप इसको लेके जाओ 600 तक, और अगर इसको रन करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको उसका आंसर शो कर देगा, दैट विल बी 175350। यहाँ पे हमने प्रोग्राम में सिर्फ सम कैलकुलेट किया, हम प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं नंबर को। इन दिस प्रोग्राम हमने सिर्फ क्या किया था, हमने सम फाइंड आउट किया था। आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स मॉडिफाई दिस प्रोग्राम, जहां हम यूज़र से स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू पूछेंगे। तो चलो यहां हम काम करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। हमने वेरिएबल बनाया स्टार्ट और एंड के नाम से, और उसके अंदर यूज़र से वैल्यू रीड कर ली। अब हम प्रोग्राम को मॉडिफाई ये करेंगे कि यहाँ पे हम n वेरिएबल यूज़ कर रहे थे जिसके ऊपर हमने काउंटर वेरिएबल यूज़ किया था, इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ n रखने के बजाय हम अपना वेरिएबल स्टार्ट रख देते हैं, और उसके बाद हम एंड कहाँ पे करना है, इसको फिनिश कहाँ करना है, 600 हार्ड कोड करने के बजाय वेरिएबल एंड लिख देते हैं। और उसके साथ साथ हमारा डिफरेंस ये आएगा कि जहाँ जहाँ ये n था उसकी जगह हम स्टार्ट का वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट्स आई एम गिविंग द स्टार्टिंग वैल्यू 1 एंड द एंडिंग वैल्यू इज 5, सो यू कैन सी उसने सम इज 15 शो कर दिया। इस प्रोग्राम में हमने सम वेरिएबल वाइल की बॉडी से पहले डिक्लेयर किया है। द रीज़न हियर इज कि हमारा जो सम वेरिएबल है वो हर आइट्रेशन में अपडेट हो रहा है, लेकिन अपडेट कैसे हो रहा है कि जो उसकी प्रीवियस वैल्यू है हम उसी को नेक्स्ट टाइम ऐड करें। हमने ये नहीं किया कि हम अपना वेरिएबल अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट करें। अगर हम सम वेरिएबल वाइल की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब आपकी वाइल की बॉडी किसी भी आइट्रेशन पे फिनिश हो रही होती है तो उसके अंदर डिक्लेयर किया हुआ हर वेरिएबल डिस्कार्ड हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट जब न्यू आइट्रेशन स्टार्ट होती है तो वह वेरिएबल दोबारा से क्रिएट होगा। तो अगर हमारा सम वेरिएबल हम बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते तो एट द एंड ऑफ आइट्रेशन मेरा वेरिएबल डिस्कार्ड हो जाता और उसकी वैल्यू फिनिश हो जाती, और न्यू आइट्रेशन में दोबारा वेरिएबल बनता तो उसकी वैल्यू अगेन 0 होती। तो जो हमारा रिक्वायर्ड टास्क है कि हमारी प्रीवियस वैल्यू के अंदर न्यू वैल्यू ऐड हो, वो पॉसिबल नहीं था। अगर हमारा कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे हमारी प्रीवियस वैल्यू हमें रिक्वायर्ड नहीं होती तो हम इन दैट सिनेरियो बॉडी के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स प्रेफर्ड कि आप उसको बॉडी से पहले डिक्लेयर करो। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल जो हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन जहाँ पे हमने 100 यूजर से उनके टेस्ट के मार्क्स पूछने हैं और उसके बाद बताने हैं वो पास हैं या फेल, और मिनिमम क्राइटेरिया टू पास द कोर्स इज 50। अब हमने ये काम 100 लोगों के लिए करना है, उसके बाद इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे और हम यूज़र डिपेंडेंट बना देंगे।
दैट मीन कि जब तक यूज़र चाहता है कि वो चेक करे कि उसके स्टूडेंट पास हैं या फेल, वी विल रिपीट दैट प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट 100 टाइम. हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना एक वेरिएबल बनाते हैं n और इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ, और इसके अंदर लूप लगा देते हैं जो कितनी दफ़ा रिपीट होगी, 100 टाइम. तो हमारी लूप बन जाएगी. अब हम क्या काम करते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यूज़र से उसके मार्क्स पूछने हैं और उसको डिसाइड करना है. तो ये सारा काम हम लूप की बॉडी के अंदर करेंगे बिकॉज़ वी आर गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग. तो चलो अब हम एक दफ़ा वेरिएबल अंदर बना लेते हैं मार्क्स के नाम से, और इसकी वैल्यू हम यूज़र से रीड करते हैं, मैसेज देते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वेरिएबल बना दिया मार्क्स के नाम से जिसके अंदर हम यूज़र से उसके मार्क्स पूछेंगे, और उसके ऊपर फिर हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं या इक्वल हैं तो सी आउट कर दो पास, अदरवाइज सी आउट कर दो फेल. और उसके बाद हमने अपना काउंटर को एक दफ़ा इंक्रीज़ कर दिया कि एक दफ़ा स्टूडेंट के लिए हो गया, फिर सेकेंड स्टूडेंट एंड देन थर्ड स्टूडेंट. लेट्स रन दी कोड. यहाँ मैंने नंबर दे दिए 45, मुझे दे दिया फेल. आई एम गिविंग 90, आ गया पास. आप 11 दे दो, अगेन आ गया फेल. तो ये काम आपका रिपीट हो जाएगा 100 टाइम. लेट्स मॉडिफाई आर दिस प्रोग्राम. यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली 100 टाइम चलता है. अब हम प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं सो दैट हम यूज़र से पूछें कि क्या वो नेक्स्ट वैल्यू ऐड करना चाहता है या नहीं. अगर वो नेक्स्ट मार्क्स ऐड करना चाहता है तो हम उसको ऐड करने देंगे, और अगर वो सिर्फ दो वैल्यूज़ के बाद ही अपने प्रोग्राम को फिनिश करना चाहता है तो हम उसको फिनिश कर देंगे. दैट इज़ टोटली यूज़र डिपेंडेंट प्रोग्राम बना देंगे. अब ऐसा काम करने के लिए हमें क्या टास्क रिक्वायर्ड है, हम यूज़र से उसकी मर्ज़ी पूछना चाहते हैं, सो दैट वी विल क्रिएट अ वेरिएबल जहाँ पर हम उसकी मर्ज़ी पूछेंगे. हम उसकी मर्ज़ी इस तरह से पूछेंगे कि हम यूज़र से कहेंगे अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वाई प्रेस कर दे, एंड एनी अदर की विल बी कंसीडर्ड कि यूज़र डोंट वांट टू कंटिन्यू. चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी वाई लूप स्टार्ट करने से पहले एक करेक्टर वेरिएबल बना लेते हैं, दैट इज़ चार चॉइस, और इसकी वैल्यू हम यूज़र से पूछेंगे. तो हमने क्या किया, हमने चॉइस वेरिएबल बना लिया और उसकी वैल्यू यूज़र से रीड कर ली. हमने उसे पूछ लिया कि क्या वो मार्क्स एंटर करना चाहता है. यहाँ पे हमने सबसे पहले उसे ये चीज़ क्यों पूछी है, बिकॉज हमारी ये जो वाई लूप होती है इसको हम कहते हैं प्री टेस्ट लूप. प्री टेस्ट का मतलब है कि वो अपना ये बॉडी के अंदर जो काम है इसको एग्जीक्यूट करने से पहले ही सबसे पहले अपनी कंडीशन को चेक करेगा. तो हम सबसे पहले ही उससे पूछ लेंगे यूज़र से कि वो अगर एंटर करना चाहता है तो हम प्रोग्राम की वैल्यूज लेंगे, अदरवाइज हम वहीं पर प्रोग्राम को फिनिश कर देंगे. तो अब हमारी कंडीशन इंस्टेड ऑफ एन वेरिएबल किसके ऊपर आ जाएगी, चॉइस वेरिएबल के लिए. तो हम कंडीशन में एन वेरिएबल की जगह चॉइस वेरिएबल लगा देंगे. तो हम ये क्या कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पे कहेंगे ये प्रोग्राम तब तक रन होता जाएगा जब तक यूज़र Y प्रेस करे. Y का मतलब है हमें अपनी चॉइस को एग्जैक्टली कंपेयर करना विद द करेक्टर Y. तो हम इक्वालिटी का लगा देंगे, फिर हम सिंगल कोट के अंदर अपना Y वेरिएबल लिख देंगे, एंड आफ्टर दैट हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब इस एग्जीक्यूशन में हमारी जो बॉडी में जो पहले काउंटर वेरिएबल था अब उसको भी हम चेंज करेंगे, बिकॉज नाउ इंस्टेड ऑफ द काउंटर वेरिएबल हमारी चॉइस हो गई है यूज़र की वैल्यू पे. अब यहाँ पे हमें यहाँ पे जहाँ काउंटर वेरिएबल आ रहा था जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा था, हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेंगे. तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम अपना यही वाला पार्ट दोबारा रिपीट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसको पेस्ट करेंगे, और हम कह देंगे डू यू वॉन्ट टू एंटर मार्क्स, और वो उसकी वैल्यू दे देगा. चलो अब अपने वेरिएबल को हम कमेंट कर देते हैं, दैट इज़ योर काउंटर वेरिएबल, उसको फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करते हैं. लेट्स रन द कोड. उसने कहा डू यू वॉन्ट टू एंटर मार्क्स, आई सेड येस. उसने कहा मार्क्स दो, मैंने दे दिए 90, उसने कहा पास. उसने दोबारा पूछा, मैंने दोबारा वाई प्रेस किया, उसने दोबारा नंबर लिए, मैंने 43 दे दिया. उसके बाद उसने दोबारा पूछा, नाउ आई एम प्रेसिंग एन, सो दैट इज़ नॉट इक्वल टू वाई, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया.
इस while लूप में हमने कंडीशन से स्मॉल y पे लगाई है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी यूजर जो है कैपिटल y प्रेस कर दे। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी while लूप की कंडीशन में और ऑपरेटर के साथ एक और कंडीशन लगा देंगे जो हो जाएगी चॉइस इज इक्वल टू, और हमारे कोटेशन मार्क्स में कैपिटल y आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी लूप दोनों कंडीशंस को सॉल्व कर लेगी, स्मॉल y को भी और कैपिटल y को भी। ये वाली जो लूप है जिसमें हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, दैट इज़ जब तक यूज़र y प्रेस करता रहेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होती जाएगी, और अगर वो कोई और करेक्टर प्रेस करेगा तो हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरह की लूप को हम कहते हैं सेंटिनल लूप। सेंटिनल लूप का मतलब है कि हम एक स्पेशल वैल्यू, दैट मीन्स सेंटिनल वैल्यू असाइन कर देते हैं अपनी कंडीशन पे, और वो कंडीशन डिटरमाइन करती है कि हमारी लूप चलेगी या नहीं चलेगी। अब हम अपने इस प्रोग्राम को एक और तरह से चेंज करते हैं सो दैट हम एक न्यू वे ऑफ लूप पढ़ लें, दैट इज अ टाइप ऑफ अ व्हाइल लूप दैट इज वैलिडेटिंग लूप। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम एक ही पर्टिकुलर जो हमने वेरिएबल बनाया था चॉइस वेरिएबल, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हम जो न्यू वेरिएशन है उसको ऐड कर सकें। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वैलिडेटिंग लूप में करते हैं कि आपने इस नंबर के ऊपर कंडीशन लगानी थी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यूज़र मोर देन 100 भी दे सकते हैं और लेस देन 0 मार्क्स भी एंटर कर सकते हैं, तो हमें अपनी इन वैल्यूज़ को वैलिडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने नंबर अंदर आके रीड करें वंस हम अपनी लूप से बाहर रीड कर लेंगे। हमने अपना वेरिएबल इंट नाम के नाम से बाहर बनाया और उसकी वैल्यू यूज़र से रीड कर ली। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब लूप के अंदर हम जाके इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप ये हो जाता है कि हम इस नाम के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं। अब वो कंडीशन क्या होगी, यहाँ से हम वाइल को रिमूव करते हैं चॉइस वाले पार्ट को, और हम कहेंगे वाइल नाम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और साथ ही साथ हम उसकी दूसरी कंडीशन लगा देंगे एंड नम इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100। अगर ये दो कंडीशंस ट्रू हैं कि हम अपनी नम की वैल्यू को वैलिडेट कर रहे हैं, तो फिर आके वो आगे उसको टेस्ट करें कि उसकी वैल्यूज वो पास है या फेल है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हम यहाँ से अपने इस पार्ट को भी रिमूव कर देंगे जहाँ पे हम नंबर रीड कर रहे थे। क्यों डिलीट करेंगे, बिकॉज ये जो हमने लूप से बाहर नंबर रीड किया है, पहले इसको आप चेक करोगे कि वो पास है या फेल है। इसके बाद जो दूसरी दफ़ा नंबर रीड करना है वो यहाँ पे, जहाँ पे हम लूप के एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं उसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आउट एंटर योर मार्क्स और फिर हम सी इन कर लेंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने क्या किया, हमने एक नम वेरिएबल अपनी लूप से बाहर बनाया, उसकी वैल्यू रीड करेंगे, अगर तो वो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आता है कि 0 से बड़ा और 100 से छोटा है, तो फिर हम वाइल के अंदर आएंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि वो पास है या फेल है। अदरवाइज हमारे वाइल लूप में नहीं आएगा, तो हम यहाँ से वाइल लूप के बाहर एक मैसेज कन्वे कर देते हैं, दैट इज़ हम कह देंगे इनवैलिड नंबर, और जैसे ही इनवैलिड नंबर आएगा तो हमारी लूप जो है नहीं चलेगी और हमारा प्रोग्राम वंस ये मैसेज शो करके टर्मिनेट हो जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं, देयर वॉज एन एरर, हमने यहाँ n लिख दिया था वेयर एज यहाँ पे हमारा नम वेरिएबल है। इसको करेक्ट करेंगे और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने उसको रन किया, एज अ रिजल्ट किया, उसने कहा नंबर दो, मैंने 66 दे दिया, उसने लूप के अंदर आया और मुझे शो कर दिया पास। उसने कहा दोबारा नंबर दो, मैंने नंबर दे दिया 40, मुझे फेल दे दिया। अब वो मुझे दोबारा नंबर कह रहा है, लेट्स से मैं 123 कह देती हूँ, और जब मैं एंटर करूँगी उसने कह दिया इनवैलिड नंबर, कि ये नंबर उसकी कंडीशन से बाहर था जैसे कि हमने यहाँ पे उसको वैलिडेट किया था। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मेरी लूप नहीं चली। ये जो हमने पर्टिकुलर टाइप ऑफ लूप पढ़ी है जिसमें हम एक नंबर को वैलिडेट कर रहे हैं, सो वी कॉल दिस टू बी वैलिडेटिंग लूप, जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को वैलिडेट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि लूप चलेगी या नहीं चलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द व्हाइल लूप। नाउ आई विल सजेस्ट सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप उनको करो, और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन इवन शेयर योर सोल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन। अब आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आप टेबल ऑफ टू प्रिंट करोगे। टेबल ऑफ टू कैसे प्रिंट करोगे, आपका पूरा मैसेज है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये पूरा इस तरह से प्रिंट हो, तो आपने 1 से लेके 10 तक ये टेबल प्रिंट करना है।
उसके बाद आप इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करो और फिर टेबल ऑफ़ यूज़र गिवन नंबर प्रिंट करो. दैट इज़ अगर यूज़र टेबल ऑफ़ 7 चाहता है तो वो आ जाए, अगर वो टेबल ऑफ़ 105 चाहता है तो वो वाला टेबल आ जाए. और उसके बाद उसकी रेंज भी आपने पूछनी है. रेंज का मतलब है जैसे हमने यहाँ 1 से 10 तक प्रिंट किया है, अगर यूज़र चाहता है कि टेबल ऑफ़ 1000 प्रिंट हो और वो 100 से 200 तक हो, तो आप उसकी रेंज के अकॉर्डिंग अपना टेबल प्रिंट करोगे. इसके बाद आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं. आपने स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू यूज़र से पूछनी है और उसका प्रोडक्ट लेना है. यानी अगर यूज़र 100 एंड 300 कहता है तो 100 से 300 के दरमियान में जितने नंबर्स हैं, दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई 101, उसके आंसर को मल्टीप्लाई करो 102 से. जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करो 103 से अप टिल आप जाओ 400 तक. देन यू आर गोइंग टू राइट द कोड टू कैलकुलेट द रनिंग सम. रनिंग सम का मतलब है आपने पिछली एग्जांपल में किया था जहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग नंबर से एंडिंग नंबर तक हर एक नंबर का सम कैलकुलेट किया था. लेकिन अब आप क्या करो, आप एक यूज़र डिपेंडेंट लूप बनाओ जहाँ पे आप यूज़र से नंबर लेते जाओगे, वो जो नंबर देगा सम में ऐड होता जाए, वो न्यू नंबर दे आपके सम में ऐड हो जाए. और ये आप उस टाइम तक करते जाओ जब आप यूज़र से पूछो कि वो कंटिन्यू करना चाहता है यस या नो. अगर वो कहे यस तो उसे न्यू वैल्यू लो और अपने सम में ऐड कर दो. देन इन क्वेश्चन नंबर 3, यू आर सपोज टू रीड अ नंबर फ्रॉम यूज़र और उसके डिजिट्स को सेपरेट करो. फॉर द हिंट हम इसको ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन वॉच दैट वीडियो. देन इन क्वेश्चन नंबर 4, आपने यूज़र से एक नंबर लेना है, उसके डिजिट्स को सेपरेट करना है जैसे आप क्वेश्चन 3 में करोगे. एंड आफ्टर सेपरेटिंग द डिजिट्स सारे डिजिट्स का प्रोडक्ट लोगे एंड एट लास्ट आप वो आंसर शो कर दोगे. फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपने यूज़र से दो नंबर लेने हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. बट यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, बगैर ऑपरेटर के मल्टीप्लाई करने. एंड इन लास्ट क्वेश्चन आप यूज़र से नंबर लोगे और उसका आप स्क्वायर शो कर दोगे. और ये क्वेश्चन आप तब तक रिपीट करते रहोगे जब तक यूज़र -1 नहीं दे देता. दैट इज़ अदर देन -1 हम हर नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करके शो करेंगे. लेकिन अगर यूज़र -1 नंबर दे देता है तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और वो इसका स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करेगा. Best of luck for your work.